हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द करंट अफेयर्स क्लास। चौथा क्लास है ये हमारा करंट अफेयर के ऊपर। इस क्लास में इकोनॉमी का बहुत इंपॉर्टेंट एक इशू जो डेवलप हो रहा है उसको डिस्कस करेंगे। इशू का नाम क्या है? PCA, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। एक एक शब्द को अच्छी तरह से समझना है हमने। प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। नाउ दिस इशू basically relates to banking. This relates to the regulation of the public sector banks. देखिए, सरकारी बैंक हमारे टोटल कितने हैं? सरकारी बैंक प्रेजेंटली 22 हमारे सरकारी बैंक हैं, और ये सरकारी बैंकों के ऊपर बहुत बड़ा स्ट्रेस और प्रेशर है। किस चीज का स्ट्रेस और प्रेशर है? जितने भी हमारे सरकारी बैंक हैं, लगभग इन्होंने 8,00,000 करोड़ रुपए के लोगों को लोन दिए हुए हैं, 8,00,000 करोड़ रुपए के, और वो लोन वापस नहीं आ रहे हैं। क्योंकि वो लोन वापस नहीं आ रहे हैं तो ये सारे बैंक, पूरे सरकारी बैंक ज्यादातर जितने हैं हमारे, ये घाटे में है। पूरे बैंकिंग सेक्टर को घाटा कितना चल रहा है? NPA, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, कि इन लोगों ने इतना पैसा दे रखा है और वो वापस नहीं आ रहा है। टोटल पूरे बैंकों में प्राइवेट और पब्लिक का मिला के लगभग 9.5 लाख करोड़ रुपीज है। 9.5 लाख करोड़ रुपया है जो पूरे बैंकों का वापस नहीं आ रहा। उसमें से 88% सरकारी बैंकों का है, प्राइवेट वालों का कम है, सरकारी वालों का ज्यादा है। तो इतना ज्यादा पैसा वापस नहीं आ रहा है और बैंक हमारे फेल हो जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट अब क्या करे? क्योंकि इनको घाटा क्यों पड़ रहा है इतना ज्यादा? क्योंकि जितना भी ये पैसा दिया है इन्होंने पास्ट में दिया है, ज्यादातर पैसा 2006 के बाद बहुत तेजी आई है, बैंकों ने बहुत जल्दी जल्दी लोगों को लेंड कर दिया है पैसा। जो भी लोन मांगने के लिए आ रहा था उसको लोन दिया जा रहा था, क्योंकि बैंकों को लग रहा था कि देश हमारा काफी ज्यादा ग्रोथ रेट है देश का, और जहां पे भी जिसको भी पैसा देंगे वो कहीं ना कहीं इन्वेस्ट करेगा, इन्वेस्ट करने के बाद इनको पैसा वापस मिल जाएगा। तो ये एक लॉजिक था बैंकों का, जिसकी वजह से सबको लेंडिंग किया जा रहा था 2006 के बाद में। बट ये तो बाद में रियलाइज हुआ जब 2010-11 में हम पहुंच गए, 12 में पहुंच गए, कि अभी पैसा वापस नहीं आ रहा है। तो बैंकों ने एक रेड अलर्ट जारी कर दिया कि हमारा एनपीए बढ़ना शुरू हो गया। एनपीए बढ़ता बढ़ता, नॉन परफॉर्मिंग एसेट 2,00,000 करोड़ से 3,00,000 करोड़ से बढ़ता बढ़ता आज की डेट में 9.5 लाख करोड़ रुपए के करीब पहुंच गया है। अब ये इतना बड़ा बीमारी बन चुका है, इतना बड़ा डिजीज बन चुका है, अब इसको कैटर कैसे करना है, अब इसको टैकल कैसे करना है? इसको टैकल करने के लिए रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है? एक नया अप्रोच अप्लाई कर दिया है। ये पहले एग्जिस्ट कर रहा था अप्रोच, बट अब इसको एप्लीकेशन, अब इसका स्ट्रिंजेंट हो गया है। इसका नाम है प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। अब कुछ बैंक, अगर उनकी स्थिति खराब होती है कुछ पैरामीटर्स के ऊपर, तो ये प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन उनके ऊपर लग जाता है। ये क्या चीज है? पहली चीज तो ये है कि ये बैंकों को अलाउ नहीं करता कि आप लेंडिंग कीजिए। देखिए, बैंकों को कमाई कहां से होती है? बैंक क्या करते हैं? लोगों को लोन देते हैं और उस लोन के ऊपर वो इंटरेस्ट खाते हैं, वो उनका एक इनकम सोर्स है। तो पहला तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन उनकी लेंडिंग बंद कर देता है, और ये भी बंद कर देता है कि अगर आपने डिपॉजिट भी कराना है तो डिपॉजिट के ऊपर भी आप किसी को ज्यादा पैसे नहीं दोगे रिटर्न में। तो दो तीन चीजें हैं जो ये इंट्रोड्यूस करता है, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन। ये कब होता है? ये तब इंट्रोड्यूस होता है जब किसी भी बैंक की जो हेल्थ है, फाइनेंशियल हेल्थ है, वो खराब होना शुरू हो जाता है। अभी किसी भी बैंक का फाइनेंशियल हेल्थ कब खराब होता है? पहला, जब उसका CRAR खराब हो जाता है, कैपिटल टू एसेट रेशो खराब हो जाती है। दूसरा, उसका एनपीए बढ़ जाता है। तीसरा, ROA उसका कम हो जाता है, रिटर्न ऑन एसेट कम हो जाता है। अभी एसेट क्या होता है? एसेट होता है जो लोन देता है बैंक, उसको एसेट बोलते हैं बैंक की टर्मिनोलॉजी में। अगर वो रिटर्न कम हो जाएगा तो बैंकों की कमाई कम हो जाएगी, बैंकों की कमाई कम हो जाएगी तो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन आ जाएगा। एनपीए बढ़ जाएगा तब भी ये आ जाएगा। ये कुछ थ्रेशोल्ड लगा दिए हैं आरबीआई ने। तो प्रेजेंटली क्या है, 11 बैंक हैं सरकारी ऐसे बैंक
जिनके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन ऑलरेडी लग चुका है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. और दो बैंक हमारे पास है, पहला हमारे पास है कैनरा बैंक और दूसरा हमारे पास है पीएनबी बैंक. ये दो ऐसे बैंक है जिनके ऊपर प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन लग जाएगा. उनको फ्रीडम नहीं रहेगा कि जो भी इन्वेस्ट कर रहे हैं पैसा उनके बैंकों में, सेविंग में डिपॉजिट कर रहे हैं, उनको ज्यादा पैसे नहीं देंगे वो, और खुद वो लेंडिंग नहीं कर सकते. अभी ये डिसीजन अच्छा है या ये डिसीजन बुरा है, इसका अभी एनालिसिस करेंगे. देखिए, बैंकों का एनपीए बढ़ रहा है, नो डाउट, ये तो एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है. बट दूसरा प्रॉब्लम क्या है कि इससे बैंकों की जो अर्निंग है वो भी खत्म हो जाएगी. तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन का जो अप्रोच है ये गलत है. तो हमें सोल्यूशन, अभी वे फॉरवर्ड क्या होगा, मतलब कि जितने बैंकों का इतना ज्यादा नुकसान हो रहा है इसको हम किस तरह से ठीक कर सकते हैं. पहले तो देखिए, इतना एनपीए बढ़ा क्यों? एनपीए बढ़ने का कारण है कि जितने भी सरकारी बैंक है उनका ज्यादा एनपीए है. सरकारी बैंकों का एनपीए क्यों ज्यादा है? क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस बहुत रहता है डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने में सरकारी बैंकों में. तो वो कहीं ना कहीं उसमें ट्रांसपेरेंसी आना चाहिए, प्रोफेशनल लोग ही वहां पे रहने चाहिए. एंड देन और इंपॉर्टेंट चीज, गवर्नमेंट के जो पुराने डिसीजंस हैं लाइक मिशन इंद्रधनुष, ये पुराना डिसीजन लिया गया था 2 साल पहले कि बैंकों को अगर आप चाहते हैं कि उनकी स्थिति अच्छी बन जाए तो मिशन इंद्रधनुष को इंप्लीमेंट कीजिए, कैपिटलाइजेशन कीजिए, ट्रांसपेरेंसी लेके आइए, अकाउंटेबिलिटी लेके आइए. तो ये सब चीजें बहुत जरूरी है. अगर लोन दे रहे हैं तो ट्रांसपेरेंट वे में लोन दीजिए, तभी उनकी आर्थिक स्थिति ठीक हो पाएगी. देखिए, प्रॉम्प्ट करेक्टिव एक्शन बहुत अच्छा अप्रोच नहीं है क्योंकि आप उसकी उनकी कमाई बंद कर रहे हो बैंकों की. सो दिस वॉज ऑल फॉर द क्लास. नाउ इन केस यू हैव एनी सॉर्ट ऑफ डाउट, यू कैन कॉन्टैक्ट मी डायरेक्टली एट माई सेल नंबर 8459400000. एंड यू कैन सब्सक्राइब टू दिस चैनल. This channel will provide you current affairs for the entire year, throughout the year for 2018 prelims and mains. Bye bye, take care, have a nice day.